नमस्कार न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्राची वर्मा और आइए नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला राहुल पर हमला, कहा सुरक्षा के मामले में दोहरा रवैया अख्तियार कर रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे मोदी। विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा में अयोध्या पर चढ़ा भगवा रंग, देश भर में इकट्ठा हुए 3 लाख राम भक्त। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में निकलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां। दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे उद्धव ने कहा हिंदू अब ताकतवर है, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने की लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा। अयोध्या में उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, कहा चुनाव के समय राम राम और बाद में आराम। आतंकी हमलों और मिल रही धमकियों के चलते बड़ी पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था, 7 सुरक्षा घेरों में होगी अलवर में होने वाली मोदी की सभा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर हमला, कहा महिलाओं की तरक्की बर्दाश्त नहीं करती कांग्रेस। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर अरुण चतुर्वेदी का पलटवार, झूठ बोलकर भाग जाते हैं कांग्रेसी नेता। वसुंधरा को फोन पर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा देश में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और कांग्रेस के पक्ष में बह रही है हवा। मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, सब भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं बल्कि समाज शक्ति है। कांग्रेस पर शिवसेना का हमला, कहा चुनाव के लिए अयोध्या जा रहे हैं ठाकरे। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मोदी तो आएगा जाएगा पर देश अटल रहेगा। अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अमरीश का दिल का दौरा पड़ने पर हुआ निधन। अमरीश के निधन पर एचडी देवगौड़ा और रजनीकांत समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सचिन पायलट ने कहा मेरा फोकस पार्टी को राजस्थान में जिताना, किसको कौन सा पद मिलेगा ये पार्टी तय करेगी। मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा 18 साल से कांग्रेस को हरा रहा हूं, मुझसे भिड़ने की बजाय कांग्रेसी मेरी मां को गाली देने लगे। मध्य प्रदेश चुनाव में कमलनाथ के बयान पर योगी ने कसा तंज, कहा आपके लिए अली तो हमारे लिए बजरंग बली। मंदसौर में पीएम मोदी ने रैली के दौरान इंदिरा गांधी पर साधा निशाना, कहा झूठा साबित हुआ है इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा। हैदराबाद में 57 करोड़ के फ्रॉड में फंसे सांसद वाईएस चौधरी, ठिकानों पर छापेमारी में फरारी, रेंज रोवर, मर्सिडीज जैसी कई कारें जब्त। मंदसौर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा किसानों को मजबूर बनाने और कर्ज में डुबाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। गरोड़ से निर्दलीय उम्मीदवार तोपन सिंह ने कहा मुझे जनता का समर्थन मिलने से दुखी है कांग्रेस और बीजेपी के नेता। कमलनाथ ने पुलिस से किए लुभावने वादे, कहा पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में दिया जाएगा 1 दिन का अवकाश और पुलिस बल के कर्मी को दूर करने के लिए 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को साधु संतों का समर्थन, बीजेपी पर बोले संत जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गरोड़ में निर्दलीय प्रत्याशी तोपन सिंह सिसोदिया ने किया जनसंपर्क। नागदा में कांग्रेस के राष्ट्र प्रचारक राज बब्बर ने किया चुनावी सभा को संबोधित। नागदा में राज बब्बर ने दिया किसानों को कर्जा माफ करने का आश्वासन। अभी की खबरों में बस इतना है, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।